हैप्पी दीपावली बच्चों। बच्चों आज हम आपको सिखाएंगे टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। टाइप्स कहिए या काइंड कहिए, दोनों का मतलब हिंदी में प्रकार होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे यूं कहिए सबसे पहला महत्वपूर्ण लेसन है ये नाउन का। ये जब तक आपको अच्छी तरह से नहीं आएगा, इंग्लिश में आप कभी भी अच्छी नॉलेज नहीं ले पाएंगे। जितने भी किसी भी सेंटेंस में वर्ड यूज होते हैं, वो सारे के सारे आप तभी लिंक कर सकती हैं जब आपको नाउन का ज्ञान होगा। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। जैसे एक पेड़ होता है ना बच्चों, तो पेड़ में सबसे पहले जड़ डेवलप होती है, जड़ का विकास होता है। जब तक जड़ नहीं होगी तब तक ना तना निकलेगा, ना पत्ती निकलेगी, ना फूल आएगा, ना फल आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश सीखने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए, लिखने के लिए हमें नाउन्स की नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको सीखना है। और इसकी एक सबसे बढ़िया बात यह है कि इसी की क्या प्राकृतिक, मैंने ये चीज देखी है कि जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है वो उतनी ही ज्यादा सरल भी होती है। अगर आप उसको सीखने का जरा सा भी प्रयास करेंगे तो वो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। नाउन भी सबसे सरल है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नाउन के बारे में इसकी डेफिनेशन क्या है, नाउन किसे कहते हैं, ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आज हम उससे आगे देखेंगे नाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ द नाउन या काइंड ऑफ द नाउन। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये बच्चों हमको पढ़ना है काइंड्स, के आई एन डी एस, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स मीन्स होता है प्रकार, कुछ लोग टाइप्स भी कहते हैं, टी बाई पी ई एस, टाइप्स। तो चाहे काइंड्स को चाहे टाइप्स को एक ही बात है। ऑफ नाउन, ऑफ माने काकी के, नाउन माने संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। ये बच्चों पांच तरह के होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पांचों के नाम हैं अलग अलग, इनको आपको याद करना है, लर्न करना है। पी आर ओ पी ई आर, पी आर ओ प्र, पी ई आर पर, प्रॉपर नाउन, एन ओ यू एन नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये हिंदी में भी साथ साथ में इसलिए बता रहा हूं मैं बच्चों, क्योंकि यही नाउन जो है संज्ञा के नाम से आपको हिंदी में भी पढ़ने को मिलेगा। तो आपको पहले से अगर ये आती होगी इंग्लिश में नाउन, तो हिंदी की संज्ञा अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नंबर टू है कॉमन, सी ओ डबल एम ओ एन, सी ओ कॉमन, कॉमन, कॉमन नाउन, एन ओ यू एन नाउन, जाति वाचक संज्ञा। नंबर थ्री है बच्चों कलेक्टिव, सी ओ डबल एल ई सी, कलेक्टिव, टी आई वी ई टिव, एन ओ यू एन नाउन। ये जोड़ जोड़ के पढ़ना तो मैंने पहले आपको सिखाया है ना, शब्दों को कैसे पढ़ते हैं, नाउन्स को कैसे लिखा पढ़ा जाता है, पहले पुराने वीडियो में भूल गए हो तो देख लेना। इसको समूहवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। अगला नंबर चार आता है मैटीरियल नाउन, एम ए टी ई, मैटीरियल, आर आई ए एल, रियल नाउन, मैटीरियल नाउन, द्रव्य वाचक संज्ञा, ये हिंदी में कहते हैं इसको। नंबर फाइव एबस्ट्रैक्ट, ए बी एस एब्स, टी आर ए सी टी, ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
भाववाचक संज्ञा। तो ये बच्चों पांच नाम हैं, इनको तो याद करना ही पड़ेगा ना। नाम तो नाम होते हैं, जैसे सबके नाम अलग अलग होते हैं ना। पहली बार आप देखते हैं नामों को, सुनते हैं तो आपको थोड़ा अजीब लगता है, ये कैसा नाम है। तो ये टेक्निकल वर्ड होती हैं, एक बार याद हो जाएगा तो हमेशा आप लेते रहेंगे। तो ये पांच तरह के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटीरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन। इन्हीं पांच नाउन के बारे में आपको जानना है, ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तो आपके लिए जो है नाउन्स की पूरी जानकारी हो जाएगी। सबसे पहला इसमें जो आया था प्रॉपर नाउन, इसको हमने अलग से समझ रहे हैं, PROPER प्रॉपर नाउन। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो ये कि प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, बहुत सरल है। नाउन क्या होते हैं पहले मैंने आपको बताया है, नेमिंग वर्ड, नाम, किसी के भी नाम को नाउन कहते हैं, ये आप पहले याद कर चुके हैं। तो किसी के भी में कोई भी आता है, व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, जानवर हो या वस्तु हो, इन सबके कोई ना कोई अपने अपने खास नाम होते हैं। होते हैं नहीं होते बच्चों, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा रोहित मेरे पास आओ, तो तुम में से केवल एक बच्चा उठ करके मेरे पास आएगा या पूरा क्लास आ जाएगा, एक बच्चा आएगा ना जो कि रोहित है। तो सबके अपने अपने खास नाम हुआ करते हैं, तो इन्हीं खास नामों को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कितना आसान है बच्चों। ए, इसको इंग्लिश में ए प्रॉपर नाउन इज द नेम, प्रॉपर नाउन है नाम किसका, ऑफ ए पर्टिकुलर, एक निश्चित पर्टिकुलर, PARTI पर्टिकुलर, CULAR कुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है निश्चित, एक निश्चित व्यक्ति का, जानवर का, एनिमल का, या कामा लगा के लिखा है प्लेस, स्थान का, OR माने या थिंग, THING थिंग माने वस्तु। तो एक निश्चित व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का जो खास नाम होता है जिससे वो पहचानी जाती है, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कुछ समझ में आया बच्चों? अच्छा, जैसे कुछ उदाहरण देखो इसके। ईजी का मतलब होता है जैसे कि, कहीं अगर एग्जाम्पल लिखना है तो हम ईजी लिख देते हैं, उदाहरण लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट में ईजी। एग्जाम्पल ग्रेसिया, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राम, श्याम, ये नाम लिखे हुए हैं, RAM राम, SHYAM श्याम, SEET सीता, GEET गीता, RAHIM रहीम, KARIM करीम, REHANA हाना, रेहाना, सुल्ताना, SUL TANA टाना, सुल्ताना। तो बच्चों जैसे मैं ये मिला मिला के नाम पढ़ रहा हूं, ये मैंने सब तुमको पढ़ना सिखाई है, तुम भी अपने आप इनको पढ़ा करो, प्रैक्टिस किया करो। तो ये सब किसके नाम है बच्चों? खास नाम है किसी के नहीं है, हाँ व्यक्तियों के खास नाम है। देखो सुल्ताना किसी लड़की का नाम है, अब सुल्ताना कहेंगे तो सभी लड़कियां थोड़ी आएंगी, केवल वही आएगी जिसका खास नाम सुल्ताना ही है, लड़की वही वाली आएगी। तो ये सब व्यक्तियों के नाम हो गए। फिर ये लिखा है DELHI, डिलही,
कोलकाता, KOL कोल, KATA काटा। नाउन पढ़ना सीखिए बच्चों मिला मिला के। ये आप ही के जिले का नाम लिखा है, अपने आप पढ़िए, मैं नहीं बताऊंगा। एशिया, ASIA एशिया। ये कॉन्टिनेंट होते हैं, अपने पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट हैं, उनमें से एक कॉन्टिनेंट जो सबसे बड़ा है एशिया है। इसी एशिया के अंदर अपना इंडिया आता है। तो ये स्थानों के नाम हैं भाई। दिल्ली एक जगह है कि नहीं है? स्थान है। कोलकाता एक स्थान है। ये आपके शहर का नाम पीलीभीत, ये भी एक स्थान है, किसी स्थान का नाम है। एशिया एक स्थान का नाम है। और ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्या लिखा है, ये आप अपने आप पढ़िए, यहां तो आप रह ही रहे हैं। LAL लाल। हाँ, यस, ये भी स्थान का नाम है। आप कहाँ रहते हैं? आप ही के गांव का नाम है, तो आप इसी स्थान पर रहते हैं ना? ठीक, लालपुर। आगे देखिए, CHETAK, चेतक। ये नाम लिखना पढ़ना सब मैंने सिखाई है। पूसी, LUCY लूसी, TOMY टॉमी। ये नाम होते हैं ना, देखो चेतक, ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। अगर हम चेतक की बात करें तो ध्यान में तुरंत हमारे आया ना, महाराणा प्रताप का घोड़ा था वो, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। पूसी, ये घर में बिल्ली उल्ली का नाम रख लेते हैं ना, लूसी पूसी, टॉमी कुत्ते का नाम रख लेते हैं। तो ये सब नाम है। ये लिखा है रामायण, रामायण किताब का नाम है, पवित्र किताब है ना हमारी, होली बुक। भगवद गीता, कुरान, KUREN कुरान, ये मुस्लिमों की पवित्र किताब होती है। BIBLE बाइबिल, ये ईसाइयों की होली बुक है, पवित्र किताब है। तो ये सब किताबों के नाम है। संस्कृत, SANS संस्कृत, KRIT कृत, HINDI हिंदी, HO, हाँ ये देखो दोनों भाषाओं के नाम है। HOLI होली। और ये तो है ही इस समय, यही तो आप मना रहे हैं। DEEPA दीपा वली, WALI दीपावली। EID ईद। ये सब त्योहारों के नाम है। तो नाम सबके होते हैं ना, खाली ये मत सोचिएगा तुम्हारे ही नाम है, इंसानों के ही नाम होते हैं, सबके नाम होते हैं। त्योहारों के भी नाम रख रखे हैं हमने। कोई भी चीज हम देखते हैं दुनिया में आती है तो सबसे पहले तो उसका नाम ही रखा जाता है, ये क्या है। तो त्योहारों के भी नाम रख लिए हम लोगों ने। दीपावली होगी तभी हम उसे दीपावली कहेंगे ना, कि रंग वाले त्योहार को दीपावली कह देंगे, वो तो होली होता है। अच्छा, ये वाला देखिए, AMAR अमर उजाला, अमर उजाला, ये अखबार का नाम है। SUNDAY संडे, मंडे, ये दिनों के नाम है। जनवरी, JANUARY जनवरी, ये महीने का नाम है। तो सबके नाम रखे गए, दिनों के भी नाम, महीनों के भी नाम। द रेड फोर्ट, लाल किला। दामत देखिए, हम ये से मतलब है, ये बात बताएंगे द कहाँ आता है। रेड फोर्ट, लाल किला, ये किसका नाम हुआ? बिल्डिंग का, भवन का, स्मारक का। तो ये भवन है, बिल्डिंग है दिल्ली में, जिसका नाम है लाल किला। द ताजमहल, किसने बनवाया था बच्चों ताजमहल? शाहजहां ने। किसकी याद में? उनकी बेगम थी मुमताज, उनकी याद में। तो ये भी एक भवन का नाम है। कहाँ है ताजमहल? आगरा में। देखा है? हाँ, देखने जाइएगा। इसके बाद
गंगीज, GANGES, गंगीज, ये गंगा के लिए लिखा है, ये नदी का नाम है। द जमुना, जमुना किसका नाम है? हाँ ये भी नदी का नाम है। हाँ हाँ किसी किसी वूमेन का नाम भी जमुना होता है, तो क्या हुआ, एक नाम कुछ कई लोग रख लेते हैं ना। माउंट एवरेस्ट, ये पहाड़ का नाम है, माउंट एवरेस्ट। हिमालयास, ये भी पहाड़ है, ये चोटी थी माउंट एवरेस्ट और ये हिमालय में है। अर्थ, ये देखो किसका नाम है, ये आकाशीय पिंड है, आकाश में जितने भी पिंड हैं घूम रहे हैं उनके सबके अपने अपने नाम है ना, जैसे हमारी पृथ्वी है उसको हिंदी में पृथ्वी, इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। सूर्य को सन कहते हैं, ये दा की तरफ ध्यान मत दीजिएगा अभी, दा अर्थ दा सन, ये तो आर्टिकल में पढ़ेंगे हम। अभी ये सोचिए हम जिस पर रहते हैं, जिस पिंड पर, आकाशीय पिंड पर, उसे कहते हैं अर्थ, और जिससे हमें प्रकाश मिलता है वो होता है सन, मून, चंद्रमा, तो ये सब आकाशीय पिंडों के नाम हैं। ईएसटी, ईस्ट, वेस्ट, ये दिशाओं के नाम हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भी होती हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ईटीसी, इसका मतलब होता है इट सेट्रा, CETERA, इट सेट्रा यानी कि आदि। तो जब बहुत सारे नाम होते हैं ना, ये तो इतने ही लिखे हैं, हम चाहें तो और भी नाम लिख सकते हैं, कहां तक लिखें, तो थोड़े नाम लिख दिए और लास्ट में आदि लिख देते हैं, इसका मतलब समझा जाए कि ऐसे ही और भी बहुत से नाम हो सकते हैं। तो उदाहरण बताए मैंने कुछ प्रॉपर नाउन के, यहां से लेके यहां तक प्रॉपर नाउन के कुछ उदाहरण बताए, ठीक है बच्चों। तो ये था प्रॉपर नाउन क्या है, हैं? ये थे आपके प्रॉपर नाउन के काइंड्स, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, और गार्जियंस से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो इसको अपने बच्चों से सुनते रहें, और उनके वीडियो बना करके जब वो सुनाएं तो वो हमें भेजें जिससे हम भी सुनें। लिखने को कहें उनसे, जैसे उनसे पूछें नाउन क्या होते हैं, नाउन के प्रकारों के नाम बताएं, लिखें, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, लिख के दिखाएं बच्चे, और कुछ उदाहरण लिख के दिखाएं प्रॉपर नाउन के। और बच्चों से भी मैं कहूंगा कि ये कुछ नाम मैंने लिखे ना प्रॉपर नाउन, खास नाम, ऐसे ही इसके अलावा लगभग 10 नाम बच्चे लिख करके मुझे सेंड करें व्हाट्सएप पे, जिससे मैं उन्हें चेक कर सकूं। ओके, थैंक यू।